चॉकलेट का जादुई घर। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में इशिता अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। इशिता के पापा का एक छोटा सा चॉकलेट का दुकान था। इशिता के मम्मी पापा पूरा दिन दुकान पर बैठकर चॉकलेट बेचने का काम करते थे। उनका घर उन्हें पैसों से सही से चल जाता था। इशिता की मम्मी पापा बहुत नेक और ईमानदार थे, इसलिए गांव के सभी लोग उन्हें पसंद करते थे। गांव के सभी लोग उन्हीं के दुकान से चॉकलेट खरीद कर ले जाते थे। ऐसे ही एक दिन इशिता और उसकी माँ खाना बना रहे थे, तभी उसके पापा आते हैं और वो दौड़ते हुए उनके पास जाती है। पापा, पापा, आप आ गए। पापा, अगले महीने मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या दोगे? बेटी, इस बार चॉकलेट की बिक्री बहुत अच्छे से हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें सोने के झुमके बनाकर दूं। अपने पापा की बात सुनकर इशिता बहुत खुश हो जाती है। सच्ची? आप मुझे सोने के झुमके दोगे? मैं बहुत खुश हूँ। इशिता की माँ कहती है, अच्छा, आप तो बस अपनी बेटी को ही प्यार करते हो, मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? तुम भी तो दुकान चलाने में मेरी पूरी मदद करती हो, इसलिए तुम्हें जो चाहिए ले लेना। बहुत दिनों बाद हमारे पास इतने पैसे आए हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं खाना लगा देती हूँ। उसके बाद सब साथ में बातें करते करते खाना खाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद इशिता के पापा उसे सोने के झुमके बनाकर देते हैं। यह देखो इशिता, मैंने तुम्हारे लिए सोने के झुमके बना दिए हैं, तुम्हें अच्छा लगे कि नहीं? अरे वाह पापा, ये कितना सुंदर है, थैंक यू पापा। इसके बाद इशिता झुमके अपने दोस्त को दिखाने उसके घर जाती है। सृष्टि, ये देखो, मेरे पापा ने मुझे बर्थडे से पहले ही मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दिया, अच्छी है ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छे हैं, संभाल कर रखना इन्हें। उसके बाद इशिता अपने दोस्त के घर से आ जाती है और झुमकों को लेकर अपने कमरे में जाती है और कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ, ये झुमके मैं हर रोज नहीं पहनूंगी, कभी कभी पहनूंगी बस, इसे अच्छी जगह रख देती हूँ। ऐसे ही इशिता और उसकी फैमिली खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश और तूफान आता है। बारिश और तूफान को देखकर इशिता बहुत डर जाती है और अपने मम्मी पापा के सामने रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये तूफान हमें उड़ाकर लेकर चला गया तो? नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, और डरो मत, हम तेरे साथ है ना, सब्र रखो, कुछ देर में बारिश और तूफान शांत हो जाएगा। अरे हमारा दुकान सीमेंट से नहीं बना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा देर तक बारिश या तूफान होने की वजह से हमारी दुकान गिर सकता है, अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? इतना मत सोचिए आप, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है और ना ही सोचा है, फिर हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? अपनी दुकान गिरने की डर की वजह से इशिता और उसकी फैमिली पूरी रात नहीं सोते हैं। सुबह होते होते तूफान और बारिश थम जाता है। अगले दिन जब सुबह इशिता और उसके मम्मी पापा दुकान देखने जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका दुकान पूरी तरह से टूट चुका है। ये सब देखकर इशिता के मम्मी पापा बहुत दुखी हो जाते हैं और इशिता की मम्मी रोने लगती है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारी दुकान बन जाए, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अपनी मम्मी को रोते हुए देखकर इशिता उनके पास आती है। मम्मी, आप सब इतना परेशान मत होइए, पापा ने जो मुझे सोने के झुमके दिए थे, आप लोग वो मुझसे ले लो और उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे दुकान फिर से बना लो। मेरी नन्ही सी बेटी इतनी समझदार कब से हो गई? तो अपने मम्मी पापा के बारे में कितना सोचती है? इतना कहकर इशिता की मम्मी उसे गले से लगा लेती है। अगले दिन इशिता की मम्मी उसे झुमके लेकर सुनार की दुकान पर जाकर बेच आती है। झुमके बेचकर इशिता की मम्मी को जो पैसे मिले थे, उन पैसों को इशिता की मम्मी बैग में रखकर घर वापस आ रही थी। तभी वहां कुछ चोर गुंडे आते हैं और चाकू की नोक पर इशिता की मम्मी से पैसे वाले बैग लेकर चले जाते हैं। इशिता की मम्मी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो रोते हुए घर जाने लगती है। क्या हुआ मम्मी,
आप रो क्यों रही हो और आपके हाथ में ये चोट कैसी लगी? उसके बाद इशिता की मम्मी इशिता को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है। ये सारी बात सुनकर इशिता भी बहुत उदास हो जाती है और रोते रोते अपने गांव के नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, इतनी सारी मुसीबत हमारे ऊपर एक बार में क्यों टूट पड़ी? हमने हमेशा दूसरों की मदद की है और हमारे साथ ये क्या हो रहा है? इशिता की ये सारी बातें उस नदी की जलपरी सुन रही होती है। तभी जलपरी इशिता के सामने आती है। जलपरी को देखकर इशिता डर जाती है। आप कौन हो? डरो नहीं, मैं निहारिका जलपरी हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ रोते हुए देखा और तुम्हारी सारी बात सुनी। मुझे तुम्हारी बातों से लगा कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जलपरी जी, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है इशिता, कभी कभी हमारे साथ ऐसी चीजें होती है जो हमें बुरी तो लगती है, लेकिन असल में वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इतना कहकर जलपरी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक चॉकलेट ले आती है। जलपरी चॉकलेट इशिता को दे देती है और बोलती है, इशिता तुम ये चॉकलेट ले जाकर जहाँ तुम्हारी दुकान थी वहाँ जमीन पर गाड़ देना, उसके बाद देखना तुम इसका कमाल। इतना कहकर जलपरी वहाँ से चली जाती है। इशिता दौड़ते हुए अपने घर जाती है और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है। अगले दिन इशिता और उसके मम्मी पापा जहाँ उनकी दुकान थी वहाँ जाते हैं और जाकर चॉकलेट जमीन में गाड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद उस जगह पर एक बड़ा सा चॉकलेट का घर बन जाता है। ये सब देखकर इशिता और उसके मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं। माँ, ये देखो चॉकलेट का घर, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। घर के अंदर बहुत से अलग अलग टाइप्स के चॉकलेट थे। ये सब देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब हमें नई दुकान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस चॉकलेट के घर के चॉकलेट ही बेचेंगे, है ना मम्मी पापा? उसके बाद इशिता के मम्मी पापा उस चॉकलेट के घर का चॉकलेट बेचने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।